देश में एक नजीर प्रस्तुत किया है, एक साथ 1,20,000 शिक्षकों की बहाली करके, और इसकी सराहना चारों तरफ से हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हो रही है, बेचैनी और बौखलाहट में अनर्गल प्रलाप कर रही है। सब मामले में धर्म के और धर्म के एंगल को निकालने का जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चाल है, उसको बिहार की जनता भी समझ रही है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता इजाज अहमद ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जमकर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह के द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए नजर आए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता इजाज अहमद ने कहा कि गिरिराज सिंह अपने मंत्री पद के प्रति ईमानदार नहीं है तथा अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, और भाजपा तथा उनके जैसे लोग बिहार तथा देश में नफरत की राजनीति के सहारे मुद्दों से लोगों को भड़काना चाहते हैं, लेकिन बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तथा 1,20,000 से ऊपर शिक्षकों की बहाली के बाद लोग यह समझ चुके हैं कि भाजपा को जनता और जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। उसे नफरत और धर्म की राजनीति की आड़ में वो जनता के मुद्दों को भटकाना चाहती है, और अब जनता भी ऐसी गंदी राजनीति पसंद नहीं कर रही है, कहते हुए नजर आए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता इजाज अहमद। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं इजाज अहमद, पहले आप वो सुने। तब उन शिक्षा के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, शिक्षकों की जो बहाली हो रही है, और ऐतिहासिक रूप से बिहार ने देश में एक नजीर प्रस्तुत किया है, एक साथ 1,20,000 शिक्षकों की बहाली करके, और इसकी सराहना चारों तरफ से हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हो रही है, बेचैनी और बौखलाहट में अनर्गल प्रलाप कर रही है। सब मामले में धर्म के और धर्म के एंगल को निकालने का जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चाल है, उसको बिहार की जनता भी समझ रही है। इसीलिए गिरिराज सिंह जी, आप केंद्र के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री के रूप में आपने क्या कार्य किया है, आपने अपने कर्तव्यों के प्रति कितनी ईमानदारी दिखाई है, उसके संबंध में चर्चा कर लेना। सिर्फ और सिर्फ धर्म और धर्म की राजनीति के आड़ में अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने की बात को कहीं ना कहीं आप दूसरी दिशा में भटकाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता अब आप जैसे लोगों के बहकावे में नहीं आने वाली है। और स्पष्टता, बिहार में सरकार के स्तर से जिस तरह से नफरत को समाप्त करके नौकरियां और रोजगार दी जा रही है, बिहार में जिस तरह से गरीबों, शोषितों, वंचितों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज को उसके हक और अधिकार देने के प्रति जो संकल्प है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो भाजपा मुद्दों की राजनीति को कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में भटकाने के लिए धर्म और धर्म की राजनीति को आगे ला करके राजनीति करना चाह रही है। ये राजनीति बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता इजाज अहमद, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही, तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।